अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। मैं जुलेखा अरफान, जुलेखा किचन से। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी अल्लाह का करम है और आप लोगों की दुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। तो चलिए, आज मैं क्या बना रही हूँ? चिकन कढ़ाई। आपने बता दिया। आज मैं बना रही हूँ चिकन कढ़ाई। कढ़ाई बोलते हैं, कढ़ाई बोलते हैं, जो आपको बोलना हो। टेस्ट में हमेशा कहती हूँ वही रहेगा, टेस्ट कभी चेंज नहीं होगा। नाम आप भले ही उसे डिफरेंट प्रोनाउंस करें लेकिन टेस्ट वही रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं क्विकली आज की रेसिपी, ऑर्डिनरी इंग्रेडिएंट्स से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिश आज की। चलिए, ये तकरीबन 800 ग्राम तक की चिकन है, धोई हुई है, चर्बी निकाली हुई है, दो तीन पानी से धो के निकालने साइड पर रख दिया था। इसमें डाल दीजिए एक छोटा चाय का चम्मच नमक, एक छोटा चाय का चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा काली मिर्चों का पाउडर, दो टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। सारी चीज़ों को मिक्स कर कर इसे मैरिनेट करना, साइड पर रख दीजिए। आप चाहे तो ढक कर भी रख सकते हैं फ्रिज के अंदर। मैंने 15-20 मिनट के लिए ढक कर साइड पर रखा था। एक कढ़ाई के अंदर 4-5 टेबलस्पून भर कर असली घी का डालें, या फिर तेल भी डाल सकते हैं या फिर दोनों मिक्स भी डाल सकते हैं। मैंने सिर्फ असली घी डाला है और यहाँ पर मैंने चिकन जो मैरिनेट करके रखी वो सारी डाल दी मैरिनेशन के साथ। चूल्हा मीडियम आंच कर दीजिए, इसे बार बार चलाते रहें, उलट पलट करते जाएं, तकरीबन 7-8 मिनट तक ये चिकन को पकने दें। तो क्या होगा ना, ये चिकन कलर चेंज कर देगी 7-8 मिनट तक। तो बस उतने दौरान तक इसे बीच बीच में चलाते रहें। 8 मिनट हो चुके हैं चिकन को भूनते हुए मीडियम आंच पर। तो अब यहाँ पर मैंने 3-4 मीडियम साइज के टमाटर थे, इसकी छील निकाल ली है और बारीक काट कर मैंने इसमें डाल दिया। इसे भी चलाते रहें बार बार मीडियम आंच पर 3-4 मिनट तक टमाटरों को भूने। तब तक भूने जब तक टमाटर नरम नहीं हो जाते, पानी पहले छूटेगा और नरम होकर एक रस होना शुरू नहीं हो जाते तब तक। इसी दरमियान मैं क्या कर रही हूँ, मसाले भी डाल ही देती हूँ, तो लगे हाथ टमाटरों के साथ मसाले भी भुना जाएंगे। नमक डाल दीजिए स्वाद अनुसार, ध्यान रखिएगा पहले भी हमने नमक डाला है तो कम ही डालिएगा। आधा छोटी चाय का चम्मच हल्दी पाउडर डाल के सबसे पहले तो मैं मिक्स कर लेती हूँ। उसके बाद डाल दीजिए 1.5 या 2 छोटे चाय के चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। वैसे कश्मीरी हमने पहले भी डाला था तो आप यहाँ 1 छोटा चाय का चम्मच भी डाल सकते हैं। 2 छोटे चाय के चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 या 1 छोटे चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1 छोटे चाय का चम्मच भुना हुआ पिसा हुआ जीरा पाउडर। ये सारी चीज़ों को डालने के बाद मीडियम आंच ही रहने दीजिए, बार बार चलाते रहें। टमाटर इसी दरमियान भून भी जाएंगे, नम भी हो जाएंगे और ये मसाला भी भुना जाएगा। तकरीबन 3-3.5 मिनट हो चुके हैं और टमाटर कितने बढ़िया से भून चुके हैं, मसाला भी भून चुका है और नीचे लग भी नहीं रहा है। तो अब मैं यहाँ डाल देती हूँ 1/2 कप दही। ये याद रहे कि दही बिल्कुल भी खट्टी नहीं होनी चाहिए यहाँ, बिकॉज हमने ये डाला है टमाटर और ये दही भी डलेगी तो दोनों चीज़ डाल रहे हैं, दोनों चीज़ खट्टी होगी। टमाटर एज यूजुअल खट्टे होते हैं तो उससे क्या सालन खट्टा हो सकता है। तो बिल्कुल याद रखिएगा कि दही खट्टी नहीं होनी चाहिए। चलिए अब ये डालकर मिक्स कर लीजिए, चूल्हा मीडियम पर ही रखिए, बार बार चलाते रहें और इसे भी दही डालने के बाद भी दही को भूनिए, तकरीबन 3-4 मिनट तक भूनिए। इस तरीके से तेल छूटने लगेगा 3-4 मिनट के बाद। 1/2 कप पानी डाल दीजिए, एक बार चला लीजिए और इसमें एक उबाल आ जाने दीजिए। जब एक उबाल आ जाता है तो ढक कर धीमी आँच पर तकरीबन 15-20 मिनट या 25 मिनट पकने दें, या तब तक पकाएं जब तक चिकन पूरी तरीके से गल नहीं जाती तब तक। साइड बाय साइड मैंने थोड़ी सी बारीक कटी हुई कोथमीर डाल दी है, वो मोटी मिर्चें हैं जिसे मैंने लंबा लंबा काट लिया, और वो अदरक है, वो तीनों को काट लिया है। तकरीबन 17-18 मिनट हो चुकी है। माशाल्लाह देखिए क्या बढ़िया सी खुशबू तो आ ही रही है, दिखने में भी एकदम बढ़िया है। तो अब मैं क्या कर रही हूँ, चिकन आप सबसे पहले चेक कर लीजिए, मेरी तो देखने से ही लग रही है गल चुकी है, क्योंकि स्टार्ट में भी तो हमने कितना 8-10 मिनट पकाया है। तो अब इसमें मैं क्या कर रही हूँ, एक बार तो चला लेती हूँ, चूल्हा कर देती हूँ बंद और नमक चख लीजिए, अगर कम लगे तो डाल सकते हैं आप ऊपर से। और अब क्या कीजिए, बारीक कटी हुई कोथमीर डाल दीजिए और ये जो मोटे मिर्चे लंबे लंबे काट के हमने रखे हैं वो डाल देती हूँ मैं, और लंबी लंबी जो अदरक की जूलियंस है वो सारी डाल दीजिए और गर्मा गर्म इसे सर्व कीजिए। अगर ग्रेवी बहुत ज़्यादा हो गई है तो आप मीडियम आंच करके उसे सुखा लीजिएगा, वैसे इसकी थोड़ी थिक ग्रेवी होती है। अच्छा, अगर आपसे बहुत ज़्यादा पानी सूख चुका है तो आप 1/4 कप या 1/2 कप गर्म पानी कर इसमें डाल दें ग्रेवी के अंदर, और उसे समझिए ना स्लो आंच पर ढाक कर तकरीबन 3-4 मिनट पकने दें, उसके बाद बंद कर दीजिएगा। अच्छा, दही जो आप लें तो वो खट्टी बिल्कुल भी ना लें, और अगर आपकी बाय डिफ़ॉल्ट खट्टी होती है दही तो कम ही डालिएगा, 2-3 टेबलस्पून ही दही डालिएगा। वैसे मैंने इस रेसिपी में 3 मीडियम साइज़ के टमाटर डाले हैं। तो चलिए चख लेते हैं, बता देती हूँ चख के कैसा है आज का ये
हमारा चिकन कढ़ाई, इसमें ले रहा है रही बढ़िया मजेदार एकदम लज्जतदार। हाँ, स्पाइस अपने हिसाब से एडजस्ट कीजिए, हमेशा स्पाइस अपने हिसाब से एडजस्ट कीजिएगा। ये जो मिर्चियां भी मैंने मोटी वाली डाली उसमें भी स्पाइस निकलेगा, तो उसे भी आप नहीं डालना चाहते मत डालिए, डालना चाहते तो दो तीन ही पीस डालिए, और जो लाल मिर्ची हमने डाली वो कम डालिएगा। मैंने यहाँ कश्मीरी लाल मिर्च यूज किया है, इस्तेमाल किया है। आप सादी वाली इस्तेमाल कर रहे जो स्पाइसी हो तो बहुत ही कम डालिएगा, अपने स्वाद अनुसार डालिएगा, ठीक है ना। तो चलिए मैं गर्मा गर्म इसे निकालती हूँ। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर से हाजिर होंगी एक नई शानदार दमदार रेसिपी के साथ या फिर ब्लॉग के साथ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।